So guys, today we have already unboxed the ZV-E10. तो थोड़ा साउंड का आपको लगेगा कि थोड़ा फर हो रहा है, लेकिन अगर हो भी रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फ़ैन चालू है और बहुत गर्मी है। अगर बंद कर देंगे तो अभी ये थोपड़ा जो है मेरा वो पूरा स्वेट हो जाएगा, मतलब क्या एकदम ध्वस्त हो जाएगा, तो वो अभी नहीं चाहता हूँ मैं। तो फिर भी इस बजट सेगमेंट में अगर मैं कहना चाहूँ, इस कैमरा का वैल्यू फॉर मनी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको 61,000 या फिर 58 में आपको पूरा एकदम पैकेज मिल रहा है, जिसमें आप लोग को इतना कुछ मिल जा रहा है। एक बैग भी इसके साथ आता है, ठीक है। अगर आप लोग एक प्राइम लेंस लेना चाहते हैं फिर भी खरीद सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पिक्चर आप देख ही सकते हैं कि मेरा फ्रंट फेस कितना अच्छा आ रहा है, मतलब क्या आप देखिए, जो मैंने जूम किया इसको, ठीक है, बहुत ही घटिया लग रहा है, ठीक है, जूम आउट किया फिर भी देखिए क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अच्छा है, ठीक है। अगर आपका बजट 60 तक है और आपको एक सोनी का ऑलराउंडर चाहिए और सब कुछ, मतलब कि आप जो भी करना चाहते हैं यूट्यूब के लिए या फिर आप आउटडोर शूटिंग करते या फिर कुछ भी यार, तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और इस वीडियो के लिए इतना तक ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और न्यू वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।